पूर्णिमा शिवाय नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशि फल लेके आई हूँ 8 फरवरी से 14 फरवरी 2021 का। ये सप्ताह कैसे आप लोगों को प्रभाव दे सकता है उसको बताने के पहले मैं ग्रहों की स्थिति बता दूं कि इस सप्ताह में कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। मंगल अपनी खुद की मूत्रिकूल राशि मेष में है और मकर राशि में कई प्लैनेट्स हैं, वहां पे गुरु शनि शुक्र वक्र बुध और वहीं पे सूर्य भी हैं, तो मकर राशि में काफी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। और ये जो सप्ताह है यहाँ पे पंचांग की जो स्थिति है, तो राशि सप्ताह में धनु रहेगी, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी होगी और नक्षत्र मूल का तीसरा चरण रहेगा। योग हर्षण है, कर्ण कौलव है, ये पंचांग की स्थिति है। आप लोग राशिफल को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा, क्योंकि लग्न जो होता है वो आप स्वयं होते हैं, तो किसी भी चीज का जो प्रभाव होता है बाहर से जो हमें अचीवमेंट्स होती हैं वो कैसे प्रभावित करेंगी, कि लग्न से बहुत सटीक पता चल पाता है। और चंद्रमा जो कि हमारा मन होता है, तो किसी भी घटना का मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चंद्र राशि से बहुत स्पष्ट पता लगता है। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि आप राशिफल को लग्न और चंद्र दोनों से ही देखना चाहिए। बहुत से जगहों पे तो ये भी कहा गया है कि सूर्य को भी लग्न बना करके परिणाम को देखना चाहिए, लेकिन ये है कि लग्न और चंद्र से तो जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में आप लोगों को मकर से लेकर के मीन वालों के लिए बताऊंगी। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो धनु तक आते आते कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वहां पर कट गया, इसलिए आज अलग से 3 का बताना पड़ रहा है। धनु का भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ, लास्ट में थोड़ा बोलना बाकी रह गया था। धनु वालों के लिए जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा वहां पे चीजें सपोर्ट की रहेंगी, ये सब चीजें मैंने बता दिया था। और धनु वालों के लिए जो एक अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है वो आपके लिए धन से संबंधित जो चीजें होंगी, कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके लिए धन आगमन के योग निर्मित करेगा। तो जो भी लोग कोई व्यवसाय कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं से धन की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। आप लोग के लिए काफी अच्छा योग बना हुआ है धनु लग्न राशि वालों के लिए। इसका जो बचा हुआ हिस्सा है आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, और इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी भी बोलती हूँ, कनेक्शन की वजह से इसको 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। अब मकर के लिए बात करते हैं। मकर वालों के लिए देखिए, सप्ताह का प्रारंभ होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने खर्चों के प्रति सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अचानक से खर्चे या स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें होती हैं उनमें आपको छिटपुट तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद वगैरह होगा आपका पहले से, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे, लेकिन आप स्वयं आगे बढ़कर के किसी से भी वाद विवाद नहीं करिएगा। इन्वेस्टमेंट की भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उन्हें आप काफी देख परख करके तो ही आप आगे बढ़िए। और खर्च जो आप करेंगे उसको थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको करना चाहिए, क्योंकि जो पैसे का योग बनेगा वो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं जाने पाए, इसके प्रति आपको थोड़ा केयरफुल होकर के रहना चाहिए। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्टिंग रहेगा, विशेष रूप से जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसका आपको भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा। जो लोग डेली का खुदरा व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। जो लोग किसी भी तरह के पब्लिक डीलिंग से कार्य करते हैं उनके लिए भी सप्ताह का मध्य पीरियड काफी सपोर्टिंग रहेगा। आपके लिए इनकम की स्थितियां निर्मित होंगी, आप स्वयं भी काफी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। तो जो मध्य पीरियड रहेगा अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा भी बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। फिर जो वीकेंड रहेगा वो आपके लिए परिवार के अंदर इसी तरह के शुभ इवेंट्स होने के योग या फैमिली में किसी का आना, इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी आपके लिए। साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए टाइम पीरियड बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं होगा, तो कोई भी पेपर वर्क पे काम करते टाइम काफी सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। हालांकि धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं, अचानक वाली परिस्थितियां भी आपके साथ में घटित हो सकती हैं जिससे आपको धन लाभ के योग निर्मित हो। तो मकर लग्न राशि वालों के जो पूरा सप्ताह है थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको चलने की ज्यादा जरूरत रहेगी। और इसी के साथ में आपके लिए
एक चीज रहेगी कि थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा आने वाले सप्ताह में, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि नवश्यक आपके अंदर ही चिड़चिड़ाहट या किसी भी तरह का एक स्वास्थ्य से संबंधित एक आपको तकलीफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपने आप में ही आपको कंफर्टेबल नहीं फील होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपके लग्न में ही पांच पांच ग्रह रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करने का काम करेंगे। तो मकर लग्न राशि वालों को अपने स्पेशली अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, ये आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी आपके लिए, स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के चैरिटी से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह का किसी क्लब वगैरह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, कोई एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं, कोई आपका क्रिएटिव फील्ड है, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इन सारे सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसमें आपको शुभता भरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ी हुई रहेगी। जो लोग काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए जो शुरुआत होगी काफी शुभता भरे परिणाम दे सकती है। और इसी के साथ साथ जो मध्य पीरियड रहेगा आपके लिए, वहां पे थोड़े खर्चे आ सकते हैं, तो उन खर्चों के प्रति आपको केयरफुल होकर के रहना है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी सप्ताह के मध्य पीरियड में, क्योंकि वहां पे जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उसको काफी देख परख करके ही आप आगे बढ़िएगा कि वो पैसे आपके अनावश्यक नहीं वेस्ट होने पाए। कोई पहले से चला रहा केस वगैरह होगा तो वो आपके पक्ष में जाने के योग निर्मित होंगे, लेकिन आप स्वयं आगे बढ़कर के किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा। कोई चैनी भी आपको देखने को मिल सकती है कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको काफी सपोर्ट भरा माहौल देखने को मिल सकता है। धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं, स्पेशली जिन लोगों का डेली का काम है, डेली छोटे व्यापारी हैं, इस तरह के जो रोज ग्राहकों से मिलने वाले कार्य होते हैं, ऐसे कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी धन लाभ के योग निर्मित होंगे। तो जो लास्ट का पीरियड रहेगा वीकेंड का, वो आपके लिए हर तरह से सपोर्टिंग पीरियड रहेगा। तो कुंभ वालों के लिए केवल मध्य पीरियड में थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। खर्चों के प्रति आपको सावधान रहना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है। और इसके अतिरिक्त जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए अभी जो पूरी चीजें निकल करके आ रही हैं, जो भी आप खर्च करिएगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, उसको काफी देख परख करके ही करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से धन हानि जैसे योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। और वाद विवाद जैसी स्थितियां आपके लिए नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद मीन लग्न राशि वालों के लिए बात करें, तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। जहां पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस जगह से आपके लिए काफी सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर, वहां पे आपका आपके कार्य में काफी उन्नति, इस तरह के योग आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके नाम, पद, प्रतिष्ठा, इन चीजों में की वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको अपने घर के अंदर उन्हें सुखों के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर के रहना चाहिए, स्पेशली अपनी मदर की हेल्थ के प्रति और अपने स्वयं की हेल्थ के प्रति भी। घर के अंदर कोई वाद विवाद अनावश्यक कलह नहीं होने पाए, इसके लिए आपको बहुत सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेष रूप से अपनी मदर से बात करते टाइम, क्योंकि उनसे बेचारी मतभेद के योग निर्मित हो सकते हैं। घर के अंदर उन्हें माहौल के प्रति कोई उसमें कलह या डिप्रेशन जैसी जो एक स्थितियां होती हैं, वो सारी चीजें नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सपोर्टिंग रहेगा। आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या जो बड़े भाई बहन वगैरह हैं या जो हायर अथॉरिटी है, उनके द्वारा आपको कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग चैरिटी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी तरह के क्लब से या एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए जो आखिरी पीरियड रहेगा वो बहुत सॉरी मध्य पीरियड जो है वो काफी सपोर्टिंग रहेगा। जिनका भी बिजनेस है ट्रेडिंग का या शेयर मार्केट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए मध्य पीरियड काफी धन लाभ देने के योग निर्मित करेगा, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ी हुई रहेगी। संतान पक्ष के द्वारा कोई शुभता भरे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं, तो इस पीरियड में आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगना, इस तरह के योग आपके लिए देखने को मिल सकते हैं, तो मध्य पीरियड का आपको काफी फायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो वीकेंड रहेगा वहां पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत
पड़ेगी, अनावश्यक खर्चे या इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं, तो खर्चों के प्रति थोड़ा सा आप लापरवाही नहीं करिएगा। या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो काफी सोच के समझ करके देख करके, और आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च होने के योग निर्मित हो सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी केयरफुल रहिएगा। किसी से भी आप आगे बढ़ के वाद विवाद नहीं करिएगा, इसके भी योग निर्मित हो सकते हैं। हालांकि कोई पहले से चला आ रहा कोई लीगल डिस्प्यूट वगैरह होगा तो उसका परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग भी निर्मित हो सकते हैं। कोई छोटी मोटी आपको यात्राएं फिर देखने को मिल सकती हैं, तो जो आपके लिए वीकेंड रहेगा वहां पे थोड़ा सा सावधानी के साथ में चलना है, और सप्ताह के प्रारंभ में अपने घर के अंदर उन्हीं सुखों के प्रति आपको केयरफुल होकर रहना है। इसके अलावा जो मेन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये पूरा सप्ताह है, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए धन प्राप्ति की योग जरूर निर्मित। इस तरीके से जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए वीकेंड में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी खर्चों के लिए। और आशा करती हूँ कि ये सप्ताह प्लान करने में आपको एक हेल्प मिली होगी। आज इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। राशिफल देखने में आप लोगों को थोड़ी सुविधा होगी, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। मालूम नहीं क्यों आज इंटरनेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानकारी लेकर के आऊंगी। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।